अभी तो, तो आपने आपने रोशनी डाली है कि ये कांग्रेस का जो हाई कमान है वो कांग्रेस को खत्म करने पर आमादा क्यों है भाव हमने उत्तर प्रदेश में सुना था कि दो दलों ने मिलकर के सरकार बनाई और ढाई ढाई साल चीफ मिनिस्टरशिप का एक समझौता किया मायावती के साथ लेकिन जिसकी फुल मेजोरिटी आई हो बल्कि दो तिहाई मेजोरिटी आई हो छत्तीसगढ़ में वहां भी इन्होंने झगड़े पैदा कर दिए थे जिस समय सरकार बन रही थी भूपेश बघेल को बनाया चीफ मिनिस्टर और टी एस सिंहदेव जो इस समय वहां हेल्थ मिनिस्टर है उनको कह दिया कि ढाई साल बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे अपनी पार्टी में ही मतलब जो चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है उसको भी पता है कि ढाई साल बाद मेरी मृत्यु निश्चित है उसको भी पता है कि ढाई साल बाद मैं राजा बनने वाला हूं और अब वहां स्थितियां ये क्रिएट कर दी गई हैं कि टी एस सिंहदेव भी इंतजार कर रहे हैं और भूपेश बघेल भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं हर जगह यही हाल कर रखा है इन्होंने हर राज्य में यही हाल कर रखा है बिल्कुल कर रखा है क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक नीचे वाले अस्थिर नहीं रहेंगे तब तक ये सेंटर से पकड़ कर नहीं रहेंगे तो और जहां जहां पार्टी खत्म हो गई वहां तो अब यूपी में देखो इतना बड़ा राज्य है वो यहाँ इनका कुछ बचा ही नहीं दो तीन परसेंट भी वोट बचा नहीं है बिहार की हालत हमने देख रहे देख रहे हैं अब बच बचा का गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र थोड़ा आ, फिर कर्नाटक में है और बाकी जगह पार्टी खत्म ही हो चुकी है तो जो बची है वहां के भी लोग अपने पाव पर खड़े ना हो ये इनकी चिंता रहती है जिस दिन वो स्वयं हो जाते हैं तो उनकी ममता बैनर्जी बन जाएंगे अब समझ लीजिए आप कि आज की तारीख में ममता बनर्जी शरद पवार जगन रेड्डी ये सब इकट्ठे हो जाए तो कांग्रेस को चला सकते हैं ना लेकिन वो चला सकते इसका मतलब कांग्रेस गांधी परिवार की जरूरत नहीं ये प्रूव करेंगे और इनको डर उसका है इसका डर है वो हिंदी में आप बोलते हो ना चारे से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या तो इनकी हालत वो है कि पार्टी तो हम ही चला सकते हैं वरना किसी को चला नहीं चलाने नहीं देंगे तो मोदी जी के स्लोगन है ना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो इनकी स्लोगन है न पार्टी चलाऊंगा न पार्टी चलाने दूंगा ये इनकी स्लोगन है अब मुझे बताइए कि डेढ़ साल से दो साल से अब अधिक समय हो गया इस पार्टी को कोई अध्यक्ष नहीं है क्या मजाक बना रखा है एक पार्टी का क्या मजाक बना रखा है देखिए बाकी की बातें छोड़ो अरे किसी भी छोटा संगठन हो तो ठीक है नहीं हो तो टूट जाता है उसके दो हिस्से हो जाते जनता दल यूनाइटेड हो या सीपीआई सीपीएम हो अलग अलग उनके अध्यक्ष अलग है सेक्रेटरी अलग है लेकिन यह पार्टी है भी और पार्टी नहीं भी पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं है और अंतरिम अध्यक्ष पार्टी को चला रहे और बोलते हैं कि हाँ बहुत जल्दी करेंगे देश का क्या होगा उसकी चिंता है लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन सक चल सकते उसका बचपन का खेल बना रखा है बच्चों का खेल है ये सब